बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, यहां पे फ्रैक्शन गिवन है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे यूज करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शंस का। यहाँ पे पार्ट वन है 49 डिवाइड बाय 64। 49 और 64 के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे 49, 77 द 49, 71 द 7। यहाँ पे राइट करेंगे 64, 23 द 6, 22 द 4, 21 द 2, 1 कैरी दे देंगे, 26 द 12, 28 द 16, 24 द 8, 22 द 4, 21 द 2। अब यहाँ पे 49 और 64 के फैक्टर्स राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 49 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल। अब यहाँ पे इनके फैक्टर्स राइट करेंगे। 49 के फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 7, 64 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बोथ साइड स्केयर रूट शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 49 डिवाइड बाय 64 अंडर स्केयर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर स्केयर रूट। बोथ साइड स्केयर रूट शो करेंगे। अब यहाँ पे देखें 7 पेयर में है, यहाँ पे राइट करेंगे 7 स्केयर अंडर स्केयर रूट डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये 2 पेयर में है, ये फर्स्ट पेयर है 2 का, ये सेकंड पेयर है 2 का, ये थर्ड पेयर है 2 का। यहाँ पे राइट करेंगे सेपरेट स्केयर रूट में, यहाँ पे राइट करेंगे 2 स्केयर अंडर स्केयर रूट मल्टीप्लाई 2 स्केयर अंडर स्केयर रूट मल्टीप्लाई 2 स्केयर अंडर स्केयर रूट। स्केयर रूट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 7 स्केयर, स्केयर रूट इज इक्वल होता है, अब यहाँ पे देखें स्केयर रूट इज इक्वल है 1 बाय 2 के। 7 स्केयर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 स्केयर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 स्केयर 1 बाय 2। 2 को 2 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल। यहाँ पे राइट करेंगे 7 डिवाइड बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8, 7 बाय 8 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2 121 डिवाइड बाय 625 फ्रैक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 121, 11 वन द 11, 1 कैरी दे देंगे, 11 वन द 11, 11 वन द 11। यहाँ पे राइट करेंगे 625, यहाँ पे राइट करेंगे 5, 5 वन द 5, 1 कैरी दे देंगे, 5 टू द 10, 5 5 द 25। यहाँ पे राइट करेंगे 5, 5 टू द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 वन द 5। यहाँ पे राइट करेंगे 121 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल। 121 के फैक्टर हैं 11 मल्टीप्लाई 11, 625 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। बोथ साइड स्केयर रूट राइट करेंगे 121 डिवाइड बाय 625 अंडर स्केयर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर स्केयर रूट। बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 11 पेयर में है, 11 स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर स्केयर रूट डिवाइड बाय 5 स्केयर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, अंडर स्केयर रूट मल्टीप्लाई 5 स्केयर अंडर स्केयर रूट। स्केयर रूट को सॉल्व करेंगे, स्केयर रूट इज इक्वल है 1 बाय 2 के। यहाँ पे राइट करेंगे 11 स्केयर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय
फाइव स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर 1/2, 2 को ऑफ करेंगे 2 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज 11 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 11 डिवाइड बाय 5 5 द 25, 11 डिवाइड बाय 25 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 196 डिवाइड बाय 441, अब यहां पे हमने 196 और 441 के फैक्टर्स राइट करेंगे, यहां पे राइट करेंगे 196 टू 9 द 18 वन कैरी दे देंगे, टू 8 द 16, टू 4 द 8 वन कैरी दे देंगे, टू 9 द 18, 7 7 द 49, 7 1 द 7 यहां पे राइट करेंगे, 441 3 1 द 3 वन कैरी दे देंगे, 3 4 द 12 टू कैरी दे देंगे, 3 7 द 21, 3 4 द 12 टू कैरी दे देंगे, 3 9 द 27, 7 7 द 49, 7 1 द 7 यहां पे राइट करेंगे, 196 डिवाइड बाय 441 फैक्टर यहां पे राइट करेंगे, 196 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 441 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे राइट करेंगे 196 डिवाइड बाय 441 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 7 अंडर स्क्वायर रूट, यहां पे राइट करेंगे 2 पेयर में है 2 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 पेयर में है 7 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 पेयर में है 3 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 पेयर में है 7 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे राइट करेंगे 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर 1/2, 2 को ऑफ करेंगे 2 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 द 14 डिवाइड बाय 3 7 द 21, 14 डिवाइड बाय 21 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 1 होल 13 डिवाइड बाय 36, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 36 1 द 36 13 इसमें ऐड करेंगे, 36 में 13 ऐड करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी 49 डिवाइड बाय 36, 49 और 36 के यहां पे फैक्टर राइट करेंगे, यहां पे राइट करेंगे 49 7 7 द 49 7 1 द 7 यहां पे राइट करेंगे 36 2 1 द 2 2 8 द 16 2 9 द 18 3 3 द 9 3 1 द 3 यहां पे राइट करेंगे फैक्टर्स, 49 के फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई 7, 36 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे 49 डिवाइड बाय 36 अंडर स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट, यहां पे राइट करेंगे 7 पेयर में है 7 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 पेयर में है 2 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 पेयर में है 3 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, यहां पे राइट करेंगे 7 स्क्वायर 1/2 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/2, 2 को ऑफ करेंगे 2 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, यहां से ये 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 7 डिवाइड बाय 2 3 द 6, अब यहां पे 7 को डिवाइड करेंगे, वर्किंग में 7 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 1 द 6 रिमेनिंग वैल्यू इज 1, यहां पे राइट करेंगे 1 है यहां पे आंसर, रिमाइंडर है 1,
डिवाइजर है 6, 1 होल 1 डिवाइड बाय 6, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5, 676 डिवाइड बाय 729, यहाँ पे 676 के भी फैक्टर राइट करेंगे। 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 1 कैरी दे देंगे, 2 6 द 12, 1 कैरी दे देंगे, 2 9 द 18। अब यहाँ पे राइट करेंगे 13, 13 1 द 13, 3 कैरी दे देंगे, 13 3 द 39, 13 1 द 13, यहाँ पे राइट करेंगे 729, 3 2 द 6, 1 कैरी दे देंगे, 3 4 द 12, 3 3 द 9, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 कैरी दे देंगे, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। यहाँ पे राइट करेंगे 676 डिवाइड बाय 729, फैक्टर राइट करेंगे। 676 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 729 के फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे। बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 676 डिवाइड बाय 729 अंडर स्केयर रूट, यहाँ पे ये फैक्टर राइट करेंगे। टू पेयर पे हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 2 स्केयर अंडर स्केयर रूट। 13 पेयर में है, यहाँ पे राइट करेंगे 13 स्केयर अंडर स्केयर रूट। 3 पेयर में है, 3 स्केयर अंडर स्केयर रूट, यहाँ पे ये 3 पेयर में है, 3 स्केयर अंडर स्केयर रूट, ये 3 पेयर में है, 3 स्केयर अंडर स्केयर रूट। स्केयर रूट को सॉल्व करेंगे, 2 स्केयर 1/2 मल्टीप्लाई 13 स्केयर 1/2, 3 स्केयर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्केयर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्केयर 1/2, 2 को 2 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 13 2 द 26 डिवाइड बाय 3 3 द 9, 9 3 द 27, 26 डिवाइड बाय 27, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 12 होल 24 डिवाइड बाय 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 300। अब यहाँ पे 24 को ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 24, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 324, यहाँ पे राइट करेंगे 324 डिवाइड बाय 25, 324 के फैक्टर राइट करेंगे। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, यहाँ पे राइट करेंगे 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स। 324 के फैक्टर्स हैं 25 के फैक्टर राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 324 डिवाइड बाय 25 अंडर स्केयर रूट, यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फैक्टर राइट करेंगे यहाँ पे। 2 पेयर में है, यहाँ पे राइट करेंगे 2 स्केयर अंडर स्केयर रूट, 3 पेयर में है, 3 स्केयर अंडर स्केयर रूट, 3 पेयर में है, 3 स्केयर अंडर स्केयर रूट, 5 पेयर में है, 5 स्केयर
अंडर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, टू स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/2, 5 स्क्वायर 1/2। 2 को 2 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5। 2 3 द 6, 6 3 द 18 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे 18 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 3 द 15 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 3। यहाँ पे राइट करेंगे 3 होल, रिमाइंडर है 3, डिवाइजर है 5, 3 होल 3 डिवाइड बाय 5, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शंस के डिवीजन मेथड से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, 144 डिवाइड बाय 225। यहाँ पे राइट करेंगे 144 डिवाइड बाय 225 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे 144, राइट साइड से पेयर में राइट करेंगे, डिवीजन मेथड का ये रूल है। यहाँ पे राइट साइड से फर्स्ट पेयर है 44, 1 सिंगल वैल्यू है, 1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 1 1 द 1, जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1, माइनस करेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 1 में 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे जो भी टेबल या नंबर राइट करेंगे उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे 44, 2 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 2, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 द 44, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0। 144 का यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो आंसर आया है 12। यहाँ पे राइट करेंगे 225 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, 25 फर्स्ट पेयर है, 2 सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे राइट करेंगे 1 1 द 1, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 25, 2 के साथ न्यू नंबर लेंगे 5, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 द 125, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0। 144 डिवाइड बाय 225 अंडर स्क्वायर रूट, 144 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 225 अंडर स्क्वायर रूट। इनका स्क्वायर रूट यानी कि फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट सॉल्व किया, 144 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो आंसर है 12, 225 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर है 15, 12 डिवाइड बाय 15, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2, 169 डिवाइड बाय 256, यहाँ पे राइट करेंगे 169 डिवाइड बाय 256 अंडर स्क्वायर रूट। 169 का यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, 69 फर्स्ट पेयर है, 1 सिंगल वैल्यू है, 1 1 द 1, माइनस करेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे 69, 2 के साथ यहाँ पे न्यू नंबर लेंगे 3, 2 के साथ न्यू नंबर लेंगे 3, 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0। यहाँ पे राइट करेंगे 256, यहाँ से ये वैल्यू 56 फर्स्ट पेयर है, 2 सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे 1 1 द 1, को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1, माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 56 कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे, 2 के साथ यहाँ पे न्यू नंबर राइट करेंगे 6, 26 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 द 36, 6 राइट करेंगे, 3 कैरी देंगे, 6 2 द 12, 3 ऐड करेंगे 15, 156 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0। यहाँ पे राइट करेंगे 169 डिवाइड बाय 256 अंडर स्क्वायर रूट, 169 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 256 अंडर स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर आया 13, 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो आंसर आया है 16, 13 डिवाइड बाय 16, इट इज़ आंसर।
पार्ट नंबर थ्री, 5441 डिवाइड बाय 64। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 320। 41 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 361। यहाँ पे राइट करेंगे 361 डिवाइड बाय 64 अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे राइट करेंगे 361। 61 फर्स्ट पेयर है, 3 सिंगल वैल्यू है, 1 1 द 1, माइनस करेंगे इसे रिमेनिंग वैल्यू 2, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। यहाँ से ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 61, 2 के साथ यहाँ पे न्यू नंबर लेंगे 9। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 9 9 द 81, 1 8 कैरी दे देंगे, 9 2 द 18, 18 में 8 ऐड करेंगे 26, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 261। यहाँ पे राइट करेंगे 29, 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई है 261, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। यहाँ पे राइट है 64, यहाँ पे कंप्लीट पेयर है, 8 8 द 64, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। यहाँ पे राइट करेंगे 361 डिवाइड बाय 64 अंडर स्क्वायर रूट, 361 अंडर स्क्वायर रूट, 64 अंडर स्क्वायर रूट। 361 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू आई है 19 डिवाइड बाय 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया, आंसर आया है 8। 19 डिवाइड बाय 8, इट इज़ आंसर